अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड नाउ इज रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। बेटा, बायोटेक्नोलॉजी जो किरदार रोल टू डायग्नोस द डिजीजेस। बायोटेक्नोलॉजी वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे अजा ताई तो घनी कामयाबी मिलने का इनके बेबी साइंस तो चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ मेडिसिन दवाओं ई पैदा करने की टेक्नोलॉजी ना है, पर इना फूड प्रोडक्शन में रोल प्ले किया। ज्यादा अंडा, ज्यादा खीर, ज्यादा जानवर जो गोश, ज्यादा मकदार में बेहतर किस्म जा फ्रूट्स, बेहतर किस्म जो सब्जियों, अनाज पैदा करने में वो रोल प्ले किया। पर इन गो बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वाली साइंस एक रोल यो भी प्ले किया है। तो मुख्तलिफ किस्म जो इन्फेक्शस या नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस उन डायग्नोस में माना उन्होंने जांच करने में बड़ो वो किरदार अदा किया है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज है, डायग्नोसिस माना उनकी आइडेंटिफिकेशन, सुणप बीमारियों की, उनमें भी वो रोल प्ले करस। वह जेनेटिक डिजीज होजन माना जीन डिसफंक्शनिंग के करे होजन, यानी नॉन इन्फेक्शस होजन या इन्फेक्शस डिजीज होजन, उनमें वो रोल प्ले कर। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के जरिए टे तरीका होंगे कम डिजीज के डायग्नोस करने के लिए। एकड़ो जो है डीएनए प्रोब, एकड़ो मेथड है डीएनए प्रोब। बेटा ही एकड़ो जो पास डीएनए प्रोब इज यूज्ड टू डायग्नोस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये बीमारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर माना जीन डिसफंक्शनिंग के करे या डिफेक्टिव जीन के करे, हिकड़ो जो पास आर्टिफिशियली डीएनए सीक्वेंस कयो है, माना डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की एक सीरीज सीक्वेंस ठाई वही है, मुख्तलिफ किस्म के जीन्स जो, मुख्तलिफ किस्म के जीन्स जो एकड़ी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठाई वही है, वह मैच कराई वेंदी है। तो इन सा टेली करे थी नॉर्मल फंक्शनिंग जीन है, उनकी सीक्वेंस ही हो जे। यो एकड़ो डीएनए प्रोब है, सपोज ये जो सो एकड़ो डीएनए प्रोब है, तो इन जीन में एडिनिन, ग्वानिन, उनका पो साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन थायमिन होजन खपे। सपोज ये तो थोड़ा न्यूक्लियोटाइड है, वे हजारे होंगे लखे होंगे, अड़ो जो सो डीएनए की स्ट्रेंड वह ठाई हुई, हाँ वह मैच कराइबी है डिफेक्टिव जीन से, मन का भी जीन से, तो खबर पवी है तो ये जीन इन जी सीक्वेंस इन वांगुर है, तो माना नॉर्मल है, जेकर इन सीक्वेंस चेंज है तो वह एबनॉर्मल है। तो एक तरीको थो डीएनए प्रोब, एक आर्टिफिशियली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, उन खबर पवी। बो तरीको जो आयो है पीसीआर, माना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा यो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हों, यो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में छा थींदो आहे, तमाम थोड़ो सैंपल डीएनए जो होजे, हिकड़ो वो मालिक्यूल डीएनए जो होजे, उनमें हिन तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उनमें साइंटिस्ट फौरी तौर ते इमीडिएटली क्विकली बिलियंस, मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज ठाए था सकन थोड़े टाइम में सागे डीएनए की। हाँ जन तमाम घणी कॉपीज ठही वन, तो डिजीज डायग्नोस करने में सहूलत पैदा थी दिया। तो पीसीआर पॉलीमरेज इनजो फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। यो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एकड़ो मेथड है जैमें साइंटिस्ट फौरी तौर पर मिलियंस इवन बिलियंस कॉपीज ठाए सकना क्विकली, छाजू डीएनए जो डीएनए कॉपी सिर्फ एकड़ी कॉपी डीएनए की मौजूद, सिर्फ एकड़ी डीएनए की कॉपी हो जे,
उनमें फौरी तौर ते हिकड़ो रिएक्शन थींदो चेन रिएक्शन माना सागो सागो उन जा पॉलीमर्स ठहंदा वेंदा ही त पॉलीमरेज़ ही एंजाइम आहे उहो एंजाइम इस्तेमाल थींदो जेको उन डीएनए जूं फौरी तौर ते मिलियंस में कॉपीज़ ठाहे छॾींदो डीएनए जूं हाणे उन तरीक़े सां असां उनखे आइडेंटिफाई करे सघंदासीं ख़ासि करे ही जेको पीसीआर आहे या पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन वारो जेको मेथड आहे उहो इन्फेक्शस डिज़ीज़ स्पेशली वायरल डिज़ीज़ खे बि ॿियनि खे बि पर इन्फेक्शस डिज़ीज़ ऐं उन में बि वायरल डिज़ीज़ खे डायग्नोस करण जो जदीद तरीक़ो आहे या वरी हिन सां इहो थींदो आहे पीसीआर में सिर्फ़ डीएनए जूं कॉपीज़ न ठहंदियूं आहिनि हिन में इहो थींदो आहे त रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम इस्तेमालु थींदो आहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ ही एंजाइम इस्तेमालु थींदो आहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम जेको रिट्रोवायरस में हासिल कयो वियो हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम जेको आहे सो यूज़ थींदो हिन पीसीआर जेको आहे सो टेस्टनि में अॼुकल्ह तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको कोरोना वायरस आहे उनजी था चवनि त भई पीसीआर टेस्ट थी थिए हिकिड़ी जेका असां स्वाब नाज़ल स्वाब था वठनि नाज़ल स्वाब उन में तमामु थोरो जेको आहे सो मवाद उन वायरस जो हूंदो उन वायरस जा आर एन ए छो त ही जेको कोरोना वायरस आहे उहो आर एन ए वायरस आहे इनवेलप्ड पिलस स्टैंड आर एन ए वायरस आहे माना हिन जी जेका कोर आंदरी उहा आर एन ए जी थियल आहे हिन पीसीआर टेस्ट अॼुकल्ह ॿुधो था त भई पीसीआर टेस्ट हूंदी थियनि त बेटा ही जेका पीसीआर टेस्ट हूंदी आहे उनमें छा कबो आहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम यूज़ थींदो आहे उहो छा कंदो आहे छो त ही जेको कोरोना वायरस आहे उहो आर एन ए वायरस आहे उनखे छा कंदो इन एंजाइम जी मदद सां हिन आर एन ए खे डीएनए में ट्रांसफॉर्म कंदो ऐं कॉपीज़ ठही वेंदियूं मिलियंस में ऐं अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं मिलियंस में कॉपीज़ ठही वेंदियूं घणियूं कॉपीज़ ठही वेंदियूं ऐं क्विकली ठही वेंदियूं त नतीजे में उहा डिज़ीज़ डायग्नोस करण में सहूलियत पैदा थींदी आहे आई सम्झ में ऐं टियों तरीक़ो जेको आहे उहो आहे टियों तरीक़ो माना ही जेको डिज़ीज़ खे डायग्नोस करण जा टे तरीक़ा हिकिड़ो डीएनए प्रोब वारे तरीक़े सां डिज़ीज़ डायग्नोस थींदियूं आहिनि ॿियो पीसीआर जेको आहे सो तरीक़े सां थींदियूं आहिनि ऐं टियों आहे हाइब्रिडाइज़ेशन एनालिसिस इहो हाइब्रिडाइज़ेशन एनालिसिस जेको हूंदी आहे हाइब्रिडाइज़ेशन कराई वेंदी जानदारनि जी हाइब्रिडाइज़ेशन माना क्रॉस करायो वेंदो जानदारनि जो ऐं उन मंझां जेको आहे सो इहा ख़बर पवंदी आहे त हिननि में कहिड़े क़िस्म जूं जेनेटिक डिज़ीज़ आहिनि या जेनेटिक डिफेक्ट्स आहिनि मतिलब त बायोटेक्नोलॉजी हिननि टिनि तरीक़नि सां डिज़ीज़ इन्फेक्शस ऐं नॉन इन्फेक्शस डिज़ीज़ खे जेको आहे सो डायग्नोस करे सघंदियूं डीएनए प्रोब पीसीआर एंड हाइब्रिडाइज़ेशन एनालिसिस जंहिं में क्रॉस करायो वेंदो आहे ॿिनि ऑर्गेनिज़म जो उन्हनि जी जेका ऑफ स्प्रिंग मिलंदी उनखे रीड करे उनखे ॾिसी करे अंदाज़ो लॻायो वेंदो आहे हाणे साइंटिस्ट जेको आहे सो हिन बायोटेक्नोलॉजी जे यूज़ सां मुख़्तलिफ़ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक माना नॉन इन्फेक्शस ऐं इन्फेक्शस डिज़ीज़ छो त जेनेटिक डिज़ीज़ जेका आहिनि बेटा उहा नॉन इन्फेक्शस आहे उहा डिसफंक्शनिंग ऑफ द जीन जे करे आहे पर जेके वायरल ऐं बैक्टेरियल ऐं प्रोटोज़ोन ऐं फंगल डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि खे चइबो आहे इन्फेक्शस त इन्फेक्शस ऐं नॉन इन्फेक्शस डिज़ीज़ जे इन डायग्नोसिस में जे एनालिसिस में आम किरदार अदा कयो आहे साइंटिस्ट त इहा बि दावा था कनि कोई जेनेटिक 200 जेनेटिक डिज़ीज़ डायग्नोस करण में बायोटेक्नोलॉजी जो किरदार आहे इवन साइंटिस्ट त चवनि था हिन टेक्नोलॉजी जे ज़रिए त बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्पटम्स असां डायग्नोस करे था सघूं माना उहे सिम्पटम ई अञा बीमारी जा ज़ाहिर न थींदा उन खां ई पहिरियों जेको आहे असां डायग्नोस करे सघंदासीं त हिनखे हीअ बीमारी आहे या हीअ बीमारी थियण वारी आहे पर बायोटेक्नोलॉजी जो तमामु वॾो किरदारु आहे बायोटेक्नोलॉजी ते ॻाल्हाइबो त ॾाढो ॻाल्हाइबो बायोटेक्नोलॉजी डिज़ीज़ जी ट्रीटमेंट में ऐं मेडिसिन जी तयारी में हम किरदारु अदा कयो आहे फूड प्रॉब्लम्स हल कया अथसि छो त ज़्यादा मक़दार में अंडा गोश्त खीर ऐं अनाज पैदा करण में किरदारु अदा कयो आहे ऐं टियों आहे
द डिजीजेस जे डायग्नोसिस में भी अहम किरदार अदा कथस रुगो इयो ही न पर डिजीज जी ट्रीटमेंट में भी किरदार अदा का बायोटेक्नोलॉजी बरल बायोटेक्नोलॉजी जो वडो किरदार है बायोटेक्नोलॉजी के विसारे न थो सके अड़े तरीके से बेटा असा जी ये टॉपिक पूरी थी वरी इंशाल्लाह का नई टॉपिक में मिलंदासी तेसी ते इजाजत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।